हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर एंड लेबल इट्स वर्टिसेस एज अ पी क्यू आर। हमें कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें सेम हो, यानी तीनों साइडें 6-6 होंगी सेंटीमीटर की, तीन वर्टिसेस होंगे पी क्यू आर। फ्रॉम क्यू पॉइंट क्यू ड्रॉ अ मीडियन क्यू टी। क्यू पॉइंट से हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी जिसका नाम होगा क्यू टी। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, कितने की हमारी साइड 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैंने स्केल की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसको नाम दे दिया, जैसे कि पी क्यू आर बोला गया तो पी क्यू, तीसरा पॉइंट हमारा आर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर की बोली, तीनों साइडें सेम होंगी, तो मैंने पी क्यू इसके बराबर नाप लिया। P को एज अ सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पर एक सर्कल के लिए आर्क लगाई, ठीक है। अब Q को एज अ सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाई, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा R। अब इस R पॉइंट को जॉइन कर देंगे P और Q के साथ, ठीक के साथ जॉइन कर दिया, इसी तरीके से क्यू के साथ ज्वाइन कर देंगे। अगर आप इनको नाप के देखोगे तो तीनों डायमेंशन हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और मैंने आर्क भी उसी हिसाब से लगाई है। देखो ये भी 6 सेंटीमीटर की और ये भी 6 की आ रही है, और ये तो 6 की 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। 6, 6 एंड 6। क्वेश्चन में आगे बोला गया है क्यू पॉइंट से हमें मीडियन ड्रॉ करनी है, क्यू टी ये होगी मीडियन इसकी। मीडियन हमेशा, जैसे कि मान लो मेरी जो क्यू टी होगी मीडियन, वो किस पे बनेगी, पी आर पे। मीडियन हमेशा उस लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब ये कहाँ पर बनेगी मालूम नहीं है, तो इसको बराबर दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा पी आर को। तो हम इसका करेंगे बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्टर हमें बताएगा कि इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, क्योंकि मीडियन उसको बराबर दो हिस्सों में बांट देगी। तो यहाँ पर इनका बाइसेक्टर टू निकालने के लिए मैंने एक इसको कंपास को 6 सेंटीमीटर का है, इससे थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लिया, 3, 4, 5 जितना मर्जी खोल लो, 3 से ज़्यादा का खोलना। फिर मैंने एक आर्क अंदर की तरफ लगाई, क्यू को एज ए सेंटर मान, आर को एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ, दूसरी यहाँ। इससे हमें क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा किसका, पी आर का। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा पॉइंट होगा टी। इससे क्या होगा, जितना हमारा टी पी होगा उतना हमारा टी आर होगा, क्योंकि मीडियन इसको बराबर दो हिस्सों में बांटती है। अब टी पॉइंट को मिला देंगे क्यू के साथ, ये कौन हो जाएगी इसकी मीडियन। ठीक है, ये इसकी क्यू टी कौन हो जाएगी मीडियन, या नीचे मेंशन कर देते हैं क्यू टी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसकी वजह से हमारा टी पी और टी आर दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, हाफ ऑफ पी आर के, दोनों पी आर के हाफ हो जाएंगे। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 13.2 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना 13.2 का। फाइंड 1/4 ऑफ ए बी, ए बी का 1/4 करना है यूजिंग द रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास का यूज़ करके राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। तो सबसे पहले 13.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये मैंने कंपास लिया और यहाँ पे 0 से 13.2, ये लो जी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपको सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो में आपको क्लियर नजर आए इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी लाइन होगी ए एंड बी 13.2 सेंटीमीटर। देखो 1/4 करना ना, तो यानी कि इस लाइन का चौथाई हिस्सा चाहिए हमें। तो चौथाई हिस्सा निकालने के लिए पहले इस लाइन को बराबर दो हिस्सों में बांट देंगे। बांटेंगे कैसे, जैसे कि लाइन है, इस लाइन का आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लो, जैसे कि लाइन का बीच का आधा मतलब आपके आइडिया से यहाँ पे होता है, तो इसे थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लो। करने के बाद बी को एज अ सेंटर मानते हुए एक ऊपर आर्क लगा दी, एक नीचे आर्क लगा दी। ए को एज अ सेंटर मानते हुए एक ऊपर आर्क लगाई और एक नीचे आर्क लगा दी। इन दोनों पॉइंट को चाहो आप जो मर्जी नाम दे सकते हो,
ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर देने से हमारा जो ये पॉइंट आएगा, इसे पॉइंट को नाम देंगे हम सी। सी वो पॉइंट है जो इस लाइन को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी कि हमारी जो लाइन होगी ए सी और बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर बराबर, कितने के हो जाएंगे 6.6 सेंटीमीटर की, 6.6 इधर 6.6 इधर, हाफ कर दिया, हमें चाहिए 1/4। तो अगर मैं इसका भी हाफ कर दूँ तो हमारा कितना बन जाएगा 1/4, क्योंकि दो हिस्से इधर होंगे दो हिस्से इधर होंगे, टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे इसके 4। ठीक है, तो ए सी का भी क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। कंपस लिया, अब ए सी है, इसका हाफ यहाँ पे होता है, आधे से ज़्यादा थोड़ा ओपन कर लिया। करने के बाद सी को एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, ए को एज ए सेंटर मानते हुए एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा पॉइंट आ गया डी। जो ए डी होगा इस पूरी लाइन का क्या होगा, 1/4 होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए डी जो लाइन हमारी है वो 1/4 ऑफ ए बी है। अब हमारी ए बी लाइन कितने की थी, 13.2, 4 का डिवाइड देंगे, 4 3 12, 1 4 3 12, तो हमारी लाइन होगी 3.3 सेंटीमीटर की। देखो दो पार्ट तो इधर होंगे, मैंने इसके किए नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, टोटल मिला कितने पार्ट हो, 4 1 2 3 और 4। तो हमें सिर्फ 1/4 बताना है, तो 1/4 कौन हो जाएगा, ए डी। ठीक है, आप चाहो तो इसको नाप के देख लो। तो मैंने ए को डी तक नापा, ये हमारा आ रहा, देखो 3.3 निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में कैलकुलेट करने भी इतना ही निकल के आएगा। फिर बात हो रही है इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो देखो मैंने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नोट किए हुए हैं, और ज़रूरी नहीं आपको इसी तरीके से लिखना है, आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बना सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 13.2 सेंटीमीटर, जैसे आपने इसको बनाया है बस वही अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखना है, कि हमने सबसे पहले क्या किया था, 13.2 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। अभी फिक्स योर कंपास ओपनिंग टू अ डिस्टेंस समवट बिगर देन हाफ ऑफ लेंथ सेगमेंट ए बी, जैसे कि मैंने आपको बताया हाफ से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को, और ओपन करके आर्क लगाने के ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ए और बी दोनों पॉइंट से। यू शुड ओपन योर कंपास लार्ज इनफ बट मेक श्योर दैट द डिस्टेंस इज नॉट मोर देन द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना। पुट द नीडल ऑफ योर कंपास एट ए एंड ड्रो आर्क, ए पे मैंने रख के यहाँ पे आर्क लगाई थी, ये हमारा पॉइंट ए, ऊपर आर्क नीचे आर्क लगाई थी, इसी तरीके से बी पे रखी भी मैंने आर्क लगाई। द टू आर्क शुड बी मीट ऑन पॉइंट सी, ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे मिलती है, सी पे मिलती है। ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट वेयर द टू आर्क इंटरसेक्ट, ठीक है, आप इसी तरीके से इनको बना बना के कर लेना, जैसा आपने बनाया है उसी तरीके से मैंने इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे बना बना के लिखा है। ठीक है, एज वेल एज आप इसको सॉल्व कर लेना, बना लेना। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।